देश में जब जहां अपराध बढ़ता है वहां कुछ ऐसे जाबाज पुलिस अफसरों की पोस्टिंग की जाती है जिनका महज नाम सुनने से ही अपराधी कांप उठते हैं। आज हम आपके सामने ऐसे ही भारत के कुछ टॉप 10 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला नाम वीसी सजनार। वीसी 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। जब सजनार स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच में आईजी थे तब इन्होंने कुख्यात नक्सली नईमुद्दीन को मारा था, लेकिन वारंगल केस 2008 के दौरान ये ज्यादा चर्चा में आए जिसमें इन्होंने वारंगल की एक युवती पर तेजाब फेंकने वाले 3 आरोपियों को गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया था। सजनार कई माओवादियों के एनकाउंटर टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में हैदराबाद दिशा केस में भी इन्होंने एक ही हफ्ते के अंदर आरोपियों को पकड़कर उनको अंजाम तक पहुंचाया था। दूसरा नाम राजबीर सिंह। राजबीर सिंह अभी तक 50 एनकाउंटर्स कर चुके हैं। राजबीर दिल्ली पुलिस के आईपीएस रहे जिन्हें पुलिस सेवा में 13 साल के अंदर ही एसीपी के तौर पर प्रमोशन मिल गई थी। साल 2008 में एक प्रॉपर्टी डीलर ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल राजबीर के बेटे रोहित यादव भी आईपीएस ऑफिसर हैं। तीसरा नाम राजेश कुमार पांडे। राजेश कुमार पांडे के नाम अभी तक 50 एनकाउंटर्स दर्ज हैं। ये उत्तर प्रदेश में बरेली रेंज के डीआईजी आईपीएस ऑफिसर हैं। राजेश अलीगढ़ के एसएसपी भी रह चुके हैं। राजेश ने गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में एक अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज निवासी राजेश को अभी तक 4 बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चौथा नाम अनंत देव। अनंत देव साल 2006 में आईपीएस अधिकारी बने थे। अनंत फिरोजाबाद में एसएसपी रह चुके हैं। फिलहाल इनकी कानपुर में एसएसपी की पोस्ट पर तैनाती है। अनंत देव अब तक 60 एनकाउंटर्स कर चुके हैं। अनंत ने ज्यादातर एनकाउंटर चंबल में किए हैं जिसमें चंबल के खूंखार अपराधी ददुआ का एनकाउंटर भी शामिल है। पांचवा नाम नवनीत सिकेरा। नवनीत सिकेरा यूपी के सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसर माने जाते हैं। जब लखनऊ में कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया का आतंक बढ़ गया था तब सरकार ने आईपीएस नवनीत सिकेरा को इसका सफाया करने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद नवनीत ने एक सीक्रेट प्लानिंग की जिसमें पुलिस वालों ने बाराती के भेष में कालिया के गुर्गों तक पहुंचकर उन्हें धर दबोचा और फिर शुरू हुआ इनका एनकाउंटर जो लगभग 20 मिनट तक चला जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, लेकिन रमेश कालिया ऑन द स्पॉट मारा गया। वहीं मुजफ्फरनगर में अपराध पर काफी हद तक लगाम लगाने का भी श्रेय नवनीत सिकेरा को ही जाता है। छठा नाम अजय पाल शर्मा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा साल 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इस सरकार में एसपी शामली रहते हुए इनके ताबड़तोड़ एनकाउंटर के कारण तो ये सरकार की आंखों का तारा ही बन गए थे, जिसके लिए अजय को इनाम में नोएडा जिले की कप्तानी मिली थी। वहीं 2019 में रामपुर की एक 6 साल की मासूम बच्ची का रेप केस सामने आया। उस वक्त अजय रामपुर के एसपी थे। इसके बाद इनकी अगुवाई में पुलिस ने नाजिल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया जिसमें अजय ने 3 गोली मारकर नाजिल का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें दबंग और सिंघम जैसे नामों से नवाजा गया है। हालांकि अजय पर कई गंभीर आरोप लगे जिसके कारण वो एक बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। सातवां नाम विजय सालस्कर। महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। अपने सेवाकाल में विजय ने 83 एनकाउंटर्स किए हैं जिनमें कई खतरनाक अपराधियों के नाम शामिल हैं। आठवां नाम प्रफुल्ल भोसले। प्रफुल्ल के नाम अब तक 84 एनकाउंटर्स दर्ज हो चुके हैं। छोटा शकील के एनकाउंटर को लेकर इनका काफी नाम हुआ था। मुंबई में प्रफुल्ल के महज नाम लेने से ही अपराधियों में डर पैदा हो जाता है। नवा नाम दया नायक। जब भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम आता है तो उसमें दया नायक का नाम जरूर लिया जाता है। दया नायक मुंबई के सबसे नामचीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाना पाटेकर ने फिल्म अब तक 56 में जो किरदार निभाया वो दया नायक के जीवन पर आधारित किरदार है। अब तक दया नायक के नाम 80 गैंगस्टर्स और अपराधियों के एनकाउंटर्स दर्ज हैं। फिलहाल दया की पोस्टिंग महाराष्ट्र एटीएस में की गई है। दसवां नाम प्रदीप शर्मा। महाराष्ट्र पुलिस के प्रदीप शर्मा को मुंबई की अपराधी दुनिया में मौत का दूसरा नाम मानते हैं। साल 1990 से 2000 की शुरुआत में जब मुंबई में गैंग वॉर अपनी चरम पर पहुंच गया था तब प्रदीप शर्मा ने लगभग 104 एनकाउंटर्स किए थे। 2010 में प्रदीप को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद प्रदीप ने दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन कर कई पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया। फिलहाल प्रदीप पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं और अब शिवसेना में शामिल हैं।